guys, welcome back to my channel. That's Call a Girl, and I'm Kanksha. So guys, in today's video I'm going to review Good Vibes Argan Oil सीरम हेयर सीरम. तो गाइज आज मैं इस सीरम का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा बिना सीरम के और बिना कंडीशनर के मेरे बाल कैसे लगते हैं. और उसके बाद मैंने अपने बालों को दो पार्ट में करके एक साइड में ये सीरम लगाया है, जिससे आपको ये पता चलेगा ये सीरम कितना ज्यादा काम करता है, कितना इफेक्टिव है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट कैसे देखने के लिए मिलेंगे. तो ये सब आपको इसमें लाइव क्लिप्स के साथ देखने के लिए मिलेगा. तो चलिए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो गाइज ये बहुत ही क्यूट सी कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग में आता है. 50 ग्राम की क्वांटिटी आपको 275 रुपीज में मिलती है. purple.com पे एक्सक्लूसिवली गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते. और purple.com पे आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना ही आपको ऑफ मिल जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 275 रुपीज का ही मिले. 275 रुपीज सिर्फ और सिर्फ इसकी एमआरपी है. 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है. और ये जो पैकेजिंग है ये पंप टाइप के पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. यहां से आपको प्रेस करना है और आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ये देखिए. और इसकी स्मेल की बात करूं तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती है और बहुत ही थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ता है अपने बालों के लिए. लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, ये देखिए गाइस, इस तरीके से आपको अपनी पाम पे लगा लेना है और अपने बालों पे इसे लगाना है, अपने बालों की लेंथ पे और एंड पे ध्यान देना है. अगर इसके क्लेम्स की बात करूं तो आर्गन ऑयल आपको ऐसे भी पता है आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है और हेल्दी लुकिंग बनाता है. इसके साथ साथ ये क्लेम कर रहा है कि आपको इंस्टेंटली शाइन देगा, आपके बालों को मॉइस्चर को लॉक करेगा, फ्रिज फ्री बनाएगा और आपके बालों को हेल्दी किंग बनाएगा. ये सब इस पे इन्होंने क्लेम किया है. इसकी बात करूं तो क्राफ्टेड फॉर ऑल बट हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई हेयर है ये. और हाउ टू यूज सब कुछ इस पे इन्होंने मेंशन किया, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी इन्होंने इस पे मेंशन की है. और इस प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है. तो चलिए अब बढ़ते हैं लाइव रिजल्ट्स की तरफ. तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत 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 ही ज्यादा फ्रिजी हैं और अभी मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया, सिर्फ उसे शैम्पू किया है और उसके बाद की ये क्लिप है. तो अब मैं दो पार्ट में, अभी मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया और उसके बाद मैं इन्हें दो पार्ट करूंगी अपने बालों के और एक साइड में मैं सीरम को लगा रही हूँ. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस सीरम के साथ एक्चुअली सीरम जैसा नहीं है. तो मैंने अभी तक मामा अर्थ वाला अनियन सीरम यूज किया है और ये वाला सीरम यूज किया है. तो गाइस मुझे इसके साथ ऐसी फीलिंग आती है कि ये सीरम कम और ऑयल ज्यादा है. आपको सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप लगेगी और आपके पूरे बाल एकदम चिपचिप हो जाएंगे. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपके सामने मैं लाइव रिजल्ट्स दे रही हूँ, लाइव क्लिप दे रही हूँ. आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं. बहुत जल्दी मैं कंपैरिजन वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. तो बट ये लाइव रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बालों के एंड में इसे लगाया था, लेकिन आप इसे ना अपने ऊपर नहीं लगा सकते माथे पे. मतलब अगर आपको बेबी हेयर की प्रॉब्लम है तब आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसे अपने बेबी हेयर के लिए यूज किया था तो एकदम ऐसे लगा जैसे कि मैंने तेल लगा लिया हो. बहुत ही, अगर आप एक ड्रॉप भी लेंगे ना, एक ड्रॉप एक तो इनफ होगा, लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि ये सीरम कम और ऑयल ज्यादा है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये इतना ज्यादा खास पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे पास एक और ऑप्शन है. इससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है एलोवेरा जेल या फिर मामा अर्थ का जो अनियन एंड बायोटीन वाला जो सीरम है वो मेरे लिए परफेक्ट है. क्योंकि मुझे लगता है कि सीरम का मतलब होना चाहिए कि वो आपके बालों को चिपका नहीं दे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रिज को कंट्रोल करे, लेकिन उसके साथ साथ आपके बाल वॉल्यूमिनस लगने चाहिए. वॉल्यूम को नहीं कम करना चाहिए, आपके बाल हेल्दी लुकिंग लगे लेकिन वॉल्यूमिनस भी लगे. इसे लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो शाइन आएगी, आप देख रहे हैं एंड पे शाइन आ रही है, लेकिन मुझे यही लगा कि ये तेल जैसा आपको इफेक्ट देता है. अगर आप एक ड्रॉप तेल भी लगाएंगे ना इतने फ्रिजी बालों पे तो भी सेम शाइन आएगी. लेकिन सीरम का काम मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए. सीरम आपको दूर से लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा हेल्दी है, मॉइस्चर को लॉक करना चाहिए सीरम को, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया उसके वॉल्यूम को और जो वो घनापन होता है ना उसे नहीं वो प्रेस करें. तो यही मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था. बहुत ही प्यारी सी माइल्ड सी स्मेल ये करता है लेकिन आपके बालों को चिपका देता है. इसका असर लॉन्ग टर्म तक रहता है क्योंकि एक्चुअली आपको इसे यूज करने के बाद बहुत जल्दी ही अपना हेयर वॉश करना होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि तेल जैसे लगने लगता है. एक दो दिन के बाद आपको हेयर वॉश करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा चिपचिप बना देता है आपके बालों को. आप इसे फिर भी अपने बालों की लेंथ पे झेल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेबी हेयर की प्रॉब्लम है तब आप इसे, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस सीरम को लगाइए, क्योंकि ये आपके बालों को पूरा चिपचिप कर देता है. चाहे आप इतना सा भी क्यों नहीं लगाएं, बहुत कम भी अगर आप लगाएंगे तब भी चिपचिप कर देता है. तो यही मुझे आपको बताना था.
और मैं इसकी रिकमेंडेशन के बारे में क्यों कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इंस्टेंटली आपके बालों को शाइनी और फ्रिज को तो कंट्रोल कर ही रहा है जैसे कि आपने देखा मेरी क्लिप में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।